हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। अब दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं, इंडिया में पबजी बैन हो चुका है और साथ ही साथ जो है मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में बना के कि अब भाई फाइनली इंडिया में जो है पबजी बैन हो चुका है। लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे पोलैंड जाना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला जी हाँ, आपको स्पॉनलेट जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो मैं स्पॉनलेट जा रहा हूँ और यहाँ पे जो लास्ट वीडियो होने वाली है हमारे चैनल की है भाई स्पॉनलेट की। अगर पबजी अनबैन होता है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नहीं होता तो भाई ये शायद हमारी इस चैनल पे लास्ट वीडियो है स्पॉनलेट की हिडन प्लेस की। तो भाई इस वीडियो में देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इस वीडियो में जो है मेरे को मोदी जी भी मिलने वाले हैं और मैं स्पॉनलेट में देखूंगा कि क्या मुझे फ्लेयर गन मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो भी हम चेक करेंगे। और साथ में मेरे आशीष है, तो भाई इस बार जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आशीष को भी साथ में लेके जाऊंगा। और साथ में यहाँ पे कुछ टावर से आ गए थे जैसे कि आप देख सकते हो, तो शायद कुछ नया अपडेट आने वाला है जो कि हम नहीं देख पाएंगे। शायद रेंगल 2.0 आने वाला है तो वो तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैं जा रहा हूँ स्पॉन आइलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूट था वो था भाई बिल्कुल मिल्टा पावर की तरफ में, तो भाई मिल्टा पावर से जो है लॉलीपॉप बहुत पास पड़ता है, तो मैं वहीं पे जंप लगा देता हूँ क्योंकि भैया वहाँ से जो है ना आसानी से आपको बोट तो मिलती है और साथ में साथ गाड़ी भी मिल जाती है। तो अगर आपको गाड़ी ना मिले तो आप बोट से जा सकते हो स्पॉनलैंड, और अगर आपको गाड़ी मिल जाए तो आप आगे से बोट पकड़िए क्योंकि यहाँ से जो है आपका पेट्रोल खत्म होने के चांसेस होते हैं। तो भाई मैं आशीष को लेकर कूद जाता हूँ साथ साथ। और यहाँ पे मेरी भाई पबजी बैन होते होते भाई 100 RP हो गई थी, तो आप 100 RP वाले कपड़े भी देख सकते हो मेरे। और भाई इस वीडियो मतलब क्या ही मज़ा आने वाला, आप देखना मैं क्या ही धमाल मचाऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो है तो भाई धमाल तो मचाना ही है। तो स्पॉनलैंड जाएंगे तो भाई आपको इस बार चिकन ड्रग भी करके शायद मैं दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, तो वो आप देखना क्योंकि हर बार मेरे साथ जानते हो आप स्पॉनलैंड में क्या स्कैम होते हैं, मतलब जब मैं वापस आता हूं तो भाई मैं कैसे कैसे मरा हूं आप खुद जानते हो। और वहां पे पीछे हमने देखा दो बंदे और तरह जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा था शायद वो भी स्पॉनलैंड आ रहे हैं। तो भाई मैंने देखा वो बोट की तरफ ही कुछ कूद रहे, तो भाई मैंने आशीष को बोला देख आशीष बोट भी है, गाड़ी भी खड़ी है, क्या करें। तो मैंने भाई पहले सोचा बोट से डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं आशीष गाड़ी पकड़ते हैं और आगे से जो है वहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम उतरते तो हम भागते कमलेश की तरह ढूंढ 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 करके और जो है गाड़ी की तरफ भागेंगे और धूम मचाते हुए सीधा आगे जाके बोट पकड़ेंगे। धूम मचाते हुए दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे जहाँ पे मैं हमेशा बोट पकड़ता हूँ। जैसे कि आप जानते हो मेरी अगर आपने और वीडियो देखी तो मैं हमेशा यहीं से बोट पकड़ता हूँ स्पॉनलैंड के लिए। और यहाँ पे मैं जैसे ही बैठता हूँ तो मैंने कहा भाई आशीष आज तू चलाएगा क्योंकि आशीष के बाद भाई बोट की स्किन है। और ये जो है भाई आपको दिखाने थी क्योंकि भाई लास्ट टाइम शायद मैं स्पॉनलैंड जा रहा हूँ, तो शायद आपने ये वाली स्किन मेरे को अभी चलाते नहीं देखा होगा मतलब बोट में, क्योंकि भाई मेरे को स्किन मिली ही नहीं। तो भाई देख रहे हो ना शेप पबजी के, मतलब जो बंदा स्पॉनलेट जाता है सबसे ज़्यादा उसको आज तक उन्होंने बोट की स्किन दी नहीं, तो भाई आशीष को ये स्किन दी थी। और जैसे कि आप देख सकते हो तो क्या ही स्किन लग रही है भाई, मज़ा ही आ गया। काश मुझे मिलती तो मैं हर बार आप लोगों को जाके दिखाता है स्पॉनलेट पे इस बोट से, लेकिन भैया यहाँ पे फिलहाल जो आशीष को मिलती है मैंने कहा आशीष बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बूस्ट दबा और यहाँ से निकल धूम मचाते हुए। अब यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचते हैं तो भाई मैंने ना डिसाइड कर लिया था पहले ही कि आगे वाला सारा एरिया मैं लूटूंगा और लेफ्ट वाला जो है आशीष लूटेगा। लेकिन भाई आशीष के अलग ही नशे चल रहे होते हैं, आशीष को पता है उन्हें अपडेट आया तो वो टीवी में झांकने के लिए जा रहा था बार बार कि भाई टीवी में कुछ झांक लूँ। लेकिन मैंने कहा भाई आशीष क्या ही कर रहा है भाई, फटाफट लूट ले अपना एरिया। तो मैं तो फटाफट अपने एरिया में पहुंच गया भाई जहां मेरे को लूटना था। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर सुआ मिल जाता है, ठीक है, M16 एकदम टट्टी गन मिल जाती है, लेकिन आजकल भैया मैं अच्छे चला रहा हूँ M16 में आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मेरे को लेवल 2 का बस्ता भी मिल जाता है और भाई M16 अब मेरे लिए टट्टी नहीं रही क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे चलाता हूँ मैं आपको बता दूँ। लेकिन भैया पबजी बैन हो रहा तो क्या करेंगे यार, मतलब कैसे चलाएंगे भाई M16। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को M16 तो मिली गई थी और मतलब शुरुआत ठीक ठाक हो गई थी, लेवल 2 का बस्ता मिल गया था, तो मुझे लगा काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी, देखते हैं हम इस मॉडल में और क्या क्या मिलता है। और भाई सही बताऊँ ना यार, मेरे को लग रहा था कि मेरे से ना पबजी नाराज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं लेवल 2 का कवच शॉटगन मिली है और भाई म्यूटेंट मिली थी, तो मैंने कहा म्यूटेंट ही उठा लेते हैं भाई, शॉटगन से तो बढ़िया ही रहेगी। और यहाँ पे SKS भी मिल जाती है और यहाँ पे दारू की बोतल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सोचा SKS उठा लेता हूँ, कहीं ATX मिलेगा तो भाई इसमें लगा लूँगा तो स्नाइपर का काम कर लेगा, एज ए DMR काम कर लेंगे, स्नाइपर काम कर लेंगे, कुछ तो काम आएगा ये अगर ATX मिलता है तो। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई जब से पबजी बैन हो रहा है, मतलब ठीक है जब से पबजी की बैन की न्यूज़ आई है, तो मुझे सही में ऐसा लग रहा है कि पबजी की सारी जो प्लेस है ना हम सबसे रूठ गई है भाई, मतलब कोई भी ढंग की लूट मिल ही नहीं रही है। तो स्पॉनलैंड पे देखते हैं मुझे कैसी लूट मिलती है, मेरे को उम्मीद नहीं है कि अच्छी लूट मिलेगी भाई, क्योंकि सही बता रहा हूँ यार सही में बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पॉनलैंड भी कहीं ना कहीं रो रहा है और मुझे बहुत मिस करेगा और मैं तो उसको मिस करूँगा ही कि यार अब कौन आएगा यहाँ पे बार बार, ठीक है एकदम खाली हो जाएगा स्पॉनलैंड, मतलब ठीक है एक मैं आता था एक रोनी आता था जैसे आपको पता ही है यूट्यूब चैनल है रोनी का भी, तो भाई उन दोनों को बहुत मिस करने वाला है पबजी और भाई रोनी और मेरे को भाई बहुत मिस करेगा स्पॉन आइलैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को M4 मिल गई और DP मिल गई, तो ठीक ठाक लूट मिल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था और मैं ढूंढ रहा था फ्लेयर गन कहीं मुझे मिल जाए। और भाई सही बता रहा हूँ यार, मतलब हम इतना ज़्यादा स्पॉन जाते थे मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता था पबजी में, ठीक है जितना मैं जाता था और एक रोनी जाता था। तो भाई अब पता नहीं
यहाँ पे स्पॉन लेने पे कौन आएगा, मतलब हमारी कंट्री में तो बैन हो गया, तो आप अगर दूसरी कंट्री से यानी पाकिस्तान से हो या फिर आप जो है बांग्लादेश से हो या जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देखते हो, तो भाई कसम खाओ आप जो है स्पॉन जरूर जाओगे अगर मेरे पीछे से बैन हो जाता है पबजी। मतलब भाई पीछे से बैन तो हो ही गया इंडिया में, अगर अनबैन नहीं होता है तो भाई कोई ना कोई तो मेरा जो सब्सक्राइबर है वो जिंदा रखना स्पॉन को, भाई जाना उस पर और विजिट करना और जो है मज़े लेना स्पॉलैंड के। तो भाई मैं तो शायद ये लास्ट टाइम ही मज़े ले पा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं आता हूँ अपनी हिडन प्लेस पे, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मैंने कई बार आपको दिखाया है कि इस टावर पे भी लूट मिलती है, तो देखते हैं आज मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं कूदता हूँ, जैसे कि मेरे को तो यहाँ पे देखता हूँ कि हरी गोली पड़ी है कमलेश वाली, और यहाँ पे लेवल 2 का कवच पड़ा था भाई, वो भी मैंने उठा लिया। और यहाँ पे जो है SKS फिर से दिख गई मेरे को, तो भाई अब उठाने तो सी नहीं SKS मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है सब कुछ लूट वूट लिया पीछे साइड में अच्छी तरीके से। अब मेरी बारी थी स्कूल साइड में जाने की, तो मैंने आशीष को बोला, भाई आशीष यार कोई ढंग वंग की गन दुला, मतलब कुछ मिल नहीं रहा, ढंग का स्कोप तो मिला नहीं, रेड डॉट भी नहीं मिला। तो मैंने कहा मैं छत कवर कर लेता हूँ। अब छत पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मेरिंडा मिल जाती है, और भाई मैं सोचता हूँ कि यार मतलब यार कोई स्कोप नहीं मिला, रेड डॉट भी नहीं मिला, देख रहे हो लेवल 3 की वेस्ट भी मिल गई, मतलब भाई कवच भी मिल गया लेवल 3 का, लेकिन भाई ये स्कोप एक भी नहीं है और समझ ही नहीं आ रहा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ना मेरे पास दोस्तों अब मैंने सोचा AKM उठा लेता हूँ, क्योंकि अब AKM काम आएगी, ठीक है। DP का जरूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए मेरे पास M4 होगी और क्लोज रेंज के लिए जो है अपनी AKM हो गई। तो यहाँ पे जो MO थी मैंने आशीष को बता दिया, भाई ऊपर DP भी पड़ी है, तेरे को चाहिए तो ले ले। और मैंने यार मेरा मन नहीं मान रहा था, ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत और नीचे लूटा, मैंने देखा आशीष ने भाई ढंग से लूटा नहीं शायद, तो मैंने कहा भाई फ्लेयर गन चाहिए यार मेरे को। और पता है क्या, ऐसा जब भी होता है ना, मतलब दो जने एक साथ आते हैं स्मॉल एंड पे, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आशीष को बुलाया, आशीष यार तूने ये पट्टी तो उठाई नहीं, अब तेरी निकल जाएगी टट्टी, ठीक है। तो आशीष कह रहा नहीं मैंने उठाई थी, मैंने कहा भाई ये कैसे पड़ी हुई है फिर यहाँ पे पट्टी, तो भाई आशीष नहीं देखता है, ठीक है, आशीष ध्यान से नहीं लूटता है। तो मुझे हो सकता है कि पीछे अगर उसने फ्लेयर गन छोड़ी भी हो, तो भाई अब मैं कौन बार बार रिस्क लेगा वहाँ पे पीछे जाने का। तो मैंने कहा चल ठीक है यार चलते आ जाओ वापस चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार यार जाने से पहले ना यहाँ पे स्पॉलैंड को एक बार ये भी देख लेते हैं, भाई नज़ारे को देख लेते हैं, क्या पता बाद में देखने को मिले ना मिले। तो भाई लास्ट टाइम जो इसके नज़ारे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आया, मैंने चेक करा अपडेट में क्या लिखा रहा है भाई इसमें मशीन में, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो जैसे ही मैंने व्यू करा यहाँ पे लिखा आया, अब यहाँ पे जो दोस्तों पबजी बैन लिखा आ चुका था, तो भाई मतलब वैसे तो यहाँ पे मूवी चलती है, मैंने एडिट करके डाल दिया वो, लेकिन भाई कुछ भी हो यार मतलब पबजी बैन हो रहा है तो भाई थोड़ा सा सैड हर कोई है, सारे पबजी लवर सैड है, लेकिन भाई हम कोई और गेम खेल लेंगे, आप टेंशन ना लो। और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 2 फ्लेयर गन चली हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई जब मैं हिडन प्लेस पे आ रहा हूँ लास्ट टाइम, तो मैंने सोच लिया था आप लोगों के लिए कुछ एक नया कंटेंट जरूर लाऊंगा, मतलब मेरे 400,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार ये लास्ट वीडियो है स्पॉनलैंड की, तो भाई इतनी मेहनत से बना रहा हूं मैं, प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं कराया। अगर आप मेरी वीडियो ऐसी देखते हो सब्सक्राइब नहीं कराए, तो आज सही टाइम आ गया भाई सब्सक्राइब करने का, क्योंकि अब आप लोगों को मैं कुछ नए गेम दिखा पाऊंगा। और साथ ही साथ एक स्पेशल वीडियो आने वाली है भाई, मतलब मैं उसमें ना मेरे जो है वॉइस ओवर नहीं होगी, मेरे इन गेम साउंड होगा, और वो जो वीडियो है वो बियॉन्डर ने रिकॉर्ड करी थी, और आज तक मैंने चैनल पे इसलिए डाल दी क्योंकि भाई मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को शायद वो वीडियो कभी डालनी पड़ेगी, लेकिन पबजी की याद के लिए भाई वो वीडियो जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है भाई, वो फुल कॉमेडी वीडियो है, ठीक है। मतलब उसमें जो है मेरी वॉइस ओवर नहीं होगी, बस इन गेम साउंड होगा, और साथ में जो है बियॉन्डर जो है खेलता आपको दिखेगा, लेकिन मेरे के लिए भी दिखेंगे आपको उसमें, और जो है देखना MVP कौन बनता है और सबको देखने को मिलेगा। तो भाई अगर वो वीडियो चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना यार वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करना कि भाई हाँ आप मेरी इन्वेंटरी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, मतलब पबजी वाले में जो मेरे आज तक जितने भी कपड़े वपड़े खरीदे हैं जो भी सब कुछ है मेरे पास, वो सारी चीजें मेरे देखना चाहते हो, तो मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ आप मेरी इन्वेंटरी देखना चाहते हो। अब यहाँ से दोस्तों हम धूम मचाते हुए फटाफट पहुंचते हैं यहाँ से जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी अपनी, वहां जाएंगे और उसके बाद जो है बंदे मारेंगे। अब जैसे हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरी जो हीलिंग बहुत कम हो गई है, तो भाई मैं सबसे पहले एक तकिया लगाता हूँ बैठ के आराम से, और उसके बाद जो एक सुआ भी लगा लूंगा ताकि जो है भाई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो भाई सुआ भी लगा लेना चाहिए आपको, ठीक है, पबजी अगर आप भाई खेल रहे हो ना तो भाई आपको सुआ की बहुत ज़रूरत है, ये सुआ अगर आपको मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। और आप देख सकते हो भाई ये फूल गन की स्किन जो मेरे पास है M4 फूल, भाई मतलब क्या ही होगा, पैसा बर्बाद हो गया यार बिल्कुल, मतलब पैसा बर्बाद, क्योंकि भाई कुछ बचा ही नहीं है भाई, अब तो ये सब चले जाएगा यार, मतलब काफ़ी अफसोस हो रहा है मैंने इसमें भाई पैसे लगाए थे, और भाई अब जो भी क्या कर सकते हैं जो भी है भाई, अब तो भाई जाना ही है, बैन हो रहा है तो अब कुछ हमारे हाथ में है नहीं। अगर ये बाई चांस अनबैन होता है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब अगर अनबैन नहीं होता तो हमें कोई और गेम खेलने पड़ेंगे, तो वो तो मैं खेल लूँगा आप लोगों को हंसाऊंगा भी, लेकिन भाई ये जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करना है यार, मैं सही बता रहा हूँ मेरे को खुद अंदर से जो है ना बहुत अजीब फील हो रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेरे को भी बहुत याद आएगी स्पॉनलैंड की, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, जो सरकार का नियम है जो सरकार का रूल है उसको फॉलो करेंगे। और भाई 4G गेम भी आने वाला है आपको जैसे कि पता ही है, इसके अलावा COD रहा अपना, GTA 5 रहा, ठीक है,
और माइनक्राफ्ट आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोग कह रहे थे भाई माइनक्राफ्ट भी खेलना, तो भाई माइनक्राफ्ट भी खेलेंगे, GTA 5 भी खेलेंगे, COD हो गया, फौजी गेम आने वाला है, और इसके अलावा भाई बहुत सारे गेम्स है यार, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने शायद खेले भी होंगे, ऐसे ऐसे गेम्स मैं खेलने वाला हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करूँगा। ग्रैनी भाई, ग्रैनी के लिए आप बोलते हो मेरे को, तो भाई वो भी खेलेंगे, मतलब सारे गेम खेलेंगे, हैप्पी व्हील्स हो गया, जो मतलब मोबाइल के गेम है PC गेम है दोनों खेलूंगा ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको। और यहाँ से दोस्तों हम धूम मचाते हैं, सीधा हमें ड्रॉप दिखता है, हम वहीं सोचते हैं वहीं जाएंगे, तो फटाफट जो है आशीष ने यहाँ पे हीलिंग करनी शुरू कर दी आशीष की, क्योंकि हेल्थ कम थी, तो मैंने कहा मैं चला लेता हूँ गाड़ी और हम यहाँ से धूम मचाते हुए निकल जाएंगे बंदे ढूंढने के लिए। अब दोस्तों हमने देख लिया था जो सरकारी ड्रॉप है वो लूटा हुआ था किसी ने, और भाई सरकारी ड्रॉप मेरे को पता है भाई हर किसी की नजर होती है सरकारी जॉब और सरकारी ड्रॉप पे, तो भाई जो भी था सरकारी ड्रॉप किसी ने लूट लिया था, लेकिन हमें डाउट था कि वो बंदा आसपास ही है, क्योंकि भिड़े का स्कूटर भी वहीं खड़ा था और भिड़े लूट के कहीं छुप गया था, मतलब घास वास में कहीं लेट गया था, भिड़े सामने आ नहीं रहा था, तो भाई टप्पू उसको ढूंढ रहा था भाई कि कहीं मिल जाए तो टप्पू उसकी बैंड वैंड बजा सके, लेकिन भाई भिड़े जो है टस से मस नहीं हुआ और भाई भिड़े छुपा रहा है कहीं घास वास में, तो भाई हम भिड़े को ढूंढ तो पा नहीं रहे थे, तो हमने कहा भाई थोड़ा बहुत इधर घूमते हैं ढूंढते हैं उसको, कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन भाई हम बहुत ढूंढते हैं हमें कहीं मिलता नहीं है पहले वो। अब भाई हमें कोई दिखा नहीं ना, तो भाई भिड़े दिखा, भिड़े पता नहीं कौन सी घास में जाकर छुप गया था, तो मैंने कहा भाई ठीक है आशीष यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और यहाँ से फटाफट निकल के जो है बंदे ढूंढते हैं, क्योंकि भाई बंदों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, मतलब बंदे है ही नहीं भाई, 0 किल है, तो मैं आप लोगों को 0 किल तो नहीं दिखा सकता ना, इसलिए गैस करो भाई मैंने कितने किल के होंगे। और यहाँ पे भाई आशीष ने जो है अपनी पीली टैक्सी ले ली, जैसे आपको पता है ना भाई पीली टैक्सी पता नहीं कितनी सारी टट्टी कर रखी है आशीष ने इसके ऊपर, भाई जो पीली टैक्सी हो जाती है एकदम ये मतलब बैठती है आशीष के, और भाई मुझे भी ज़बरदस्ती बैठना पड़ जाता है भाई टैक्सी में, क्या ही करे भाई पीली पीली एकदम मतलब भाई घिन से आती है मेरे को, तो ये क्या है यार आशीष तू क्या यार क्या करता रहता है, टैक्सी का भी रंग ढंग कर नहीं रख सकता है अपनी, तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, आशीष की जैसे भी टैक्सी है उस पर जाना पड़ेगा, और बंदे अब जो है कमी काफ़ी बचे, तो भाई हमें ढूंढने थे बंदे, और मैं काफ़ी पागलों की तरह बंदे ढूंढ रहा था भाई कोई तो मिल जाए किसी को तो मारूं, तो यहाँ पे जो हम ढूंढ रहे होते हैं भाई हम आते हैं रोजोक की पहाड़ी पे कि भाई यहाँ तो बंदे मिलते ही मिलते हैं, तो यहाँ हम आते हैं हम जहाँ देखते हैं किसी की पेटी पड़ी हुई है, अब इस पेटी में जाता हूँ तो भाई मैं सोचता हूँ लूट ही लेता हूँ, तो यहाँ पे भी इस पे कुछ था ही नहीं भाई, एक एंगल ग्रिप थी तो वो मैंने उठा ली, और यहाँ पे बंदे भाई मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आप सोच सकते हो 18 बंदे बचे हैं, 18 में से हम 2 है तो भाई 16 बंदे बचे हैं, तो मैंने कितने किल करे होंगे और भाई आशीष ने कितने किल करे होंगे आप खुद सोच लो, तो और क्या हम ये मैच जीत पाएंगे, और अभी तो मेरे को मोदी जी मिलने बाकी है भाई, मेरे को मोदी जी मिलेंगे ठीक है इस गेम में, तो आप देखो कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आशीष को बोलता हूँ कि भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट गाड़ी बैठ के और धूम मचाते हैं बंदे ढूंढते हैं, और सामने ड्रॉप भी आ रहा था सरकारी वाला, तो मैंने कहा यहीं चलते हैं और अब जो है इनको मारेंगे ये जो बंदे ड्रॉप पे आएंगे। अब भाई सरकारी ड्रॉप तक हम पहुंच जाते हैं लेकिन कोई मिलता नहीं, और यहाँ पे जो है हम देखते हैं यहाँ पे पड़ी है ऑग वॉक, तो मैं उठाता नहीं हूँ क्योंकि भाई M416 मेरे को काफ़ी पसंद है आपको पता ही है, और अभी तक फाइनली मेरे पास रेड डॉट नहीं था, तो भाई आप देख सकते हो बिना रेड डॉट के घूमे जा रहा हूँ और ना ही बंदे मिल रहे हैं भाई, मतलब मैं पागल हो चुका था, मैंने कहा यार क्या ही मैच जा रहे हैं, इतने में देखते हैं यहाँ पे 2 बंदे आ गए भाई, और भाई इतना खुश होना इन 2 बंदों को देख के, मैंने कहा भाई यही तो चीज़ चाहिए थी बस, तो भाई वो धूम मचाते भाग रहे होते हैं हमसे डर के, और हम जो इनका देखना कैसा पीछे करेंगे और कैसे ही मारेंगे उनको। अब भाई उनकी गाड़ी पलट जाती है और भाई मेरे को बहुत हंसी आती है वो चीज़ देख के, और मैं जो है फायर करता हूँ, उन्होंने देखो प्री मोली करी थी काफ़ी अच्छा डिसीजन तो उनका, लेकिन भाई कुछ नहीं कर पाए, मैं देखना कैसे गाड़ी से उतारूंगा उन बंदों को, तो पहला बंदा उतारता हूँ मैं और दूसरे को भी काफ़ी डैमेज दिया था, तो भाई उतरते उतरते ही यहाँ से उसको मार दिया, तो भाई ये 2 किल मेरे को मिल गया और इसी के साथ मेरा खाता खुल गया, तो भाई अब हो चुके 2 किल, तो भाई अब देखते जाना बस कैसे कैसे बंदे मारेंगे, और फिलहाल जो है दोस्तों इन दोनों को मार के फटाफट मैं लूट करने आता हूँ, क्योंकि भाई अभी तक सिर्फ रेड डॉट था और यहाँ से फाइनली अब मेरे को लूट मिलनी शुरू हुई थी, तो भाई इन पे काफ़ी सारी लूट थी, तो यहाँ पे मेरे को सारी अटैचमेंट मिल जाती है अच्छी अच्छी, और मेरे को 4x मिल जाता है, तो भाई मैं फटाफट से जो है 4x M4 पे लगा लेता हूँ, क्योंकि ना होने से तो कुछ अच्छा ही स्कोप है भाई ठीक है, मतलब मेरे को वैसे 3x बहुत पसंद है, और यहाँ पे जो है भाई आशीष और मैं भाई मैंने बोला इनको चिढ़ाएंगे अब ठीक है, तो भाई हम दोनों स्टार्ट कर देते हैं अपना डांस। अब भाई हम डांस कर ही रहे होते हैं भाई ठीक है, मतलब चिढ़ा रहे होते हैं उनको भाई, वो स्पेक्टेट कर रहे होंगे, इतने में देखता हूँ कि भाई सामने से जो बंदे आ रहे होते हैं ठीक है, मतलब वो लोग एनिमी हमें देख रहे होंगे इसलिए हम डांस कर रहे थे हमें लगा, लेकिन हम देखते हैं सामने से भाई गाड़ी आ चुकी है एक, और उसके बाद आप देखना भाई गाड़ी पे गाड़ी आएगी, भाई पीछे क्या हो गया भाई ट्रेन की पटरी है क्या भाई, एक के पीछे गाड़ी आई जा रही थी, तो मैंने कहा भाई आशीष इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हमें इनको मारना चाहिए ठीक है, तो हम इनको फायर वायर दे रहे थे, एक और देखना अभी छोटी गाड़ी फिर आ जाएगी भाई, मतलब क्या ही चल रहा है भाई, धूम मचाते ऋतिक रोशन वाला क्या हो रहा था भाई, सीन समझ ही नहीं आ रहा था भाई, मतलब क्या हो रहा है भाई, बंदे 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 बंदे, और भाई इनको भी क्या ही पेला भाई, अगर ये पसंद आया ना तो भाई इनको इसके लिए तो लाइक कर दो भाई, मतलब क्या ही पेला भाई इनको हमने, भाई कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, मतलब मजाक हो रही है, और यहाँ पे जो है भाई मेरे को ग्रोजा मिल जाती है, और आज मैंने कहा भाई लास्ट टाइम ग्रोजा चला लेते हैं भाई, काफ़ी टाइम बाद ग्रोजा मिली है, तो AKM को रिप्लेस कर देते, और भाई मेरे को यहाँ पे 3x मिल गया था, तो जो कि और भाई गलती से मेरी M4 गिर गई,
और भाई मतलब 3x मिल गया ना, तो भाई अब कुछ चाहिए ही नहीं था मेरे को, मतलब भाई मजा ही आ गया। तो मैंने वापस से जो अपनी गन्स वंस वापस उठाई, मतलब भाई पूरा ही मिक्सचर हो गया था, कभी M4 उठ रही कभी AKM उठ रही है, तो भाई नशे ही अलग चल रहे थे मेरे, ठीक है। तो मैंने फटाफट से जो है भाई M4 में अपनी गन वन ली, तो भाई मैंने फटाफट से अपनी जो है M4 रीलोड वगैरह करी और जहाँ पे जितना माल था ना सब कुछ उठा लिया, क्योंकि अब मेरे को पता था बंदे किधर है, क्योंकि सारे के सारे एक साथ गए थे ट्रेन की पटरी की तरफ वहाँ पे आगे की तरफ। तो मैंने कहा उनको फटाफट मारते आशीष और फिर यहाँ से निकलते, ठीक है। तो मैंने एक सुआ लगा लिया ताकि भाई पूरे रास्ते काम आए और बार बार जो है मुझे कोल्ड ड्रिंक पेप्सी मिरिंडा पीनी ना पड़े। तो मैंने जो है जितने सारा माल उसका था उठा लिया और मैंने आशीष को बोला, आशीष चलो अब निकलते हैं, इनको पेलते हैं, यहाँ पे बंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेक कर रहा था कि भाई एक बार दिख दिख जाए कोई बंदा, लेकिन भाई कोई दिख नहीं रहा होता है। तो मैं जो है आगे निकल जाता हूँ भाई भागते हुए कमलेश की तरह, डुन 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 डुन। अब यहाँ पे जो है दोस्तों मैं भागते हुए जा ही रहा था, तो भाई आशीष अपनी पीली टैक्सी लेके आ जाता है, क्योंकि मैंने आशीष को बोला था भाई तू टैक्सी लेके आ, मैं पैदल पैदल भाग रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है जैसे आशीष पीली टैक्सी लेके आते हैं, तो भाई हमें पता था कि बंदे आसपास पक्का होंगे, और भाई इसलिए हम जो है गाड़ी घुमा रहे होते हैं और ऊपर देखते हुए भाई इतने में जो है बंदा हमें मारने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे होगी मोदी जी की एंट्री जैसे कि आप देखना, और भाई इन्होंने ऊपर हमारे ऊपर बहुत गंदा फायर करा था, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई फायर पे फायर हो जा रहा था हमारे ऊपर, और आशीष और मेरी हेल्थ जो है दोनों को भाई उसने जो है थोड़ा थोड़ा डैमेज दिया था, ठीक है। तो मैंने आशीष को बोला भाई गाड़ी रोक तू मरवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोस्तों नाम पढ़ना, जैसे मैं नॉकआउट करूँगा तो आप नाम पढ़ सकते हो। तो भाई मोदी जी यहाँ पे आ गए थे भाई गेम में, और भाई पबजी बैन हुआ तो शायद पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, भाई कोई किसी का नाम रख रहा है तो कोई किसी का नाम रख रहा है, तो भाई इस बंदे ने जो है मोदी जी का नाम रख लिया पबजी में, और भाई जो है हमने इनको फिनिश कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली भाई हम तो PMG की अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जो क्या भी कर सकते हैं, सामने अगर आ गए तो भाई मारना तो पड़ेगा ही। तो भाई मोदी जी के नाम से ये जो प्लेयर आए थे हमने इसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे जो भाई 3x वगैरह, अब मेरे पास सब कुछ तो था ही, लूट की कमी थी नहीं, तो मैं देख रहा था कुछ ऐसा कुछ खास मिल जाए जो मैं उठा सकूँ, AWM मिल जाए, लेकिन भाई वो दिख नहीं रहा था। और मैंने सोचा भाई ग्रोथ चलानी है तो भाई क्यों ही मतलब छोड़ूँ, तो मैंने जो है फटाफट यहाँ पे दोस्तों कोई और गन उठाई नहीं, और इसी के साथ जो है दोस्तों मेरे यहाँ पे 4 किल हो गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सिर्फ 6 बंदे बचे, अब 6 बंदे में से मैं कितने बंदे मारूंगा, यानी कि 6 छोड़ो 2 तो हम, ये 4 बंदे बचे हैं। अब गैस कर लो 4 बंदों में से मैं कितने बंदे और मारने वाला हूँ। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है, अब मैंने आशीष को बोला यार आशीष यहाँ से निकल यार फटाफट, ठीक है किल करने हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा बंदे बचे नहीं, 4 बंदे बचे हैं। तो आशीष को मैं फटाफट बुलाता हूँ, यहाँ से धूम मचाते निकलेंगे बंदे ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे जो दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे इस चट्टान पे, क्योंकि हमें डाउट था कि यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, क्योंकि भाई जब दूसरा ड्रॉप वहीं गिरा था जैसे कि आप देख सकते हो, तो हमें डाउट था कि यहाँ पे बंदे आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं पहाड़ी पे, और ऊंचा हाइट भी थी, एडवांटेज भी थी, तो मैंने कहा फटाफट यहाँ से हो सकता है कि हम बंदों को मार सके, लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों कोई दिखता नहीं, और यहाँ पे भाई सरकारी ड्रॉप, मैंने बताया ना नज़र सबकी रहती है सरकारी ड्रॉप पे, तो भाई यहाँ पे MK पड़ी थी, तो मेरा काफ़ी मन हुआ था MK लेने का, फिर मैंने कहा नहीं यार चलो अब ग्रोजे चलाऊंगा, ठीक है। MK भी मैंने कई बार चला रखी है, आज ग्रोजे चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सरकारी ड्रॉप, जैसे मैंने आपको बताया ना भाई सबकी नज़र रहती है सरकारी ड्रॉप पे, ठीक है, और सरकारी नौकरी पे भी, तो भाई इसलिए जो है सरकारी ड्रॉप जल्दी से आपको मिलता नहीं है भाई, नसीब वालों को ही मिलता है। तो मैंने देखा आशीष यहाँ पे ओपन में ड्रॉप आ रहा है भाई, ठीक है, अब तो भाई ये वाला लूटूंगा मैं, मतलब इतनी चौड़ हो गई थी भाई, मतलब डर ही नहीं लग रहा था कि भाई अब तो अपने ही है चिकन डिनर, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोश में आ रहा था, और भाई देखना अभी क्या होने वाला है, मतलब भाई इतना ज़्यादा ओपन में मैं घूम रहा हूँ ना मैं कि भाई क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा कोई मेरा, तो मैं इसलिए जो है ओपन में घूम रहा था, और बहुत ज़्यादा अपने अंदर विश्वास हो गया था कि भाई अब ये गेम तो हमारा ही है। तो मैं आशीष को बुलाता हूँ फटाफट भाई कि आजा भाई आशीष अपनी पीली टैक्सी और ड्रॉप लूटते हैं और फिर जो बंदे मारते हैं। अब जैसे भाई ड्रॉप गिरता है तो मैं फटाफट भागता हूँ भाई लूटने के लिए कुछ मिल जाए, तो भाई आशीष ने सब कुछ उठा लिया होता है, लेकिन भाई मेरे को दिख जाती है AWM, लेकिन भाई मैं उठाता नहीं हूँ जैसे कि आप देख रहे हो भाई, पता क्यों, क्योंकि मैंने ATAX अभी थोड़ी देर पहले ही फेंका था, और भाई सही बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो काफ़ी टाइम से भाई मैं सोच रहा था कि भाई उठाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं उठा सकता हूँ, और मैंने आशीष को बोला भी उठा ले अगर तेरे को उठाने, लेकिन आशीष ने भी अपना ATAX फेंक दिया था, तो भाई कुल मिला के हम AWM नहीं उठा पाए। और सही में ऐसा लग रहा था कि बाद में महसूस हो रहा था कि भाई उठाने चाहिए थे, क्योंकि भाई अभी एक फाइट होगी जिसमें ऐसा लगेगा कि भाई हमें AWM की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बंदा होगा, लेकिन भाई यहाँ पे बंदा होता है अभी आप देखना। अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं आप देख सकते हैं गाड़ी की आवाज़ आ गई थी, और मैं कहा मैं तो गया भाई, क्योंकि मैं ओपन में था, और भाई इनकी गाड़ी पे ही जो है मैंने स्प्रे देना शुरू कर दिया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं पहला बंदा नॉक और दूसरा बंदा नॉक, मतलब ख़त्म भाई सीधा, ठीक है। तो भाई इन दोनों को भी मैंने इजीली मार दिया भाई, ये देखते रह गए हुआ क्या, इनको समझ ही नहीं आया, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई भाई इनकी। और यहाँ पे जो आप देखते हैं इसने बंदे ने फ्लेयर भी चलाई थी, तो भाई इस पर फ्लेयर भी थी, और दोनों ही 100 RP वाले थे भाई, मतलब दोनों के 100 RP वाले कपड़े थे, तो भाई दोनों को मैंने इजीली पेल दिया। और यहाँ से मेरे को मिल जाता है भाई 6x, तो मैंने कहा भाई 6x उठा लेते हैं, अब 3x काफ़ी चला लिया, अब लास्ट के 2 बंदे बचे तो उनको भाई 6x से मारूंगा। तो आप देखना अभी कितने बंदे मैं मारने वाला हूँ, या फिर हमारा चिंगटर होगा भी या नहीं होगा, मतलब भाई क्या पता हमें वो 2 बंदे मार दे। तो
अब यहाँ पे दोस्तों हम जैसे ही आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो भाई आशीष ने बिल्कुल सस्टेन शेयर कर दिए थे और मुझे लग रहा था आशीष भाई मरवाएगा मेरे को, ठीक है। आपने मेरी हेल्थ भी देखी होगी और आशीष ने कहीं ठोकी थी भाई गाड़ी, तो भाई मैं जस्ट बचा भाई किसी भी तरीके से। और मैंने आशीष को बोला गाड़ी रोक मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं भी, पागल है। सही में, और मतलब बिल्कुल ही गाड़ी बिल्कुल पागलों की तरह चलाई थी भाई आशीष ने। और भाई मैंने फटाफट यहाँ पे लैपटॉप लगा लिया भाई, क्योंकि भाई लैपटॉप भी बचा सकता था, मेरी आखिरी उम्मीद यही थी लैपटॉप चढ़ाऊंगा और उसको मार दूंगा। तो भाई ये बंदा जो है आशीष पे पूरा ध्यान था इसका और मेरे पे भी ध्यान था, जब तक इसने मेरे ऊपर एम करा तो भाई मैं 1 HP बच गया और मैंने इसको इजीली यहाँ पे मार दिया। तो भाई इसी के साथ जो है जोन भी आने वाला था सर 15 सेकंड, तो मैंने आशीष को बोला फटाफट भाई फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये लास्ट का जोन है, हमें खा जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लास्ट बंदा बचा था और देखना उसके साथ क्या ही नशा होने वाला है, मतलब भाई ठीक है, और मेरे साथ भी और आशीष के साथ भी। तो भाई यहाँ पे देखना जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब भाई धुआं निकल चुका था हमारी गाड़ी से, तो मैंने कहा था भाई आशीष इस गाड़ी में तो मैं जाने वाले नहीं हूँ, क्योंकि भाई किसी ने भी एक हल्का सा भी स्प्रे मार देना तो हम दोनों एक साथ जाएंगे और फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब मैच जो है चिकन अच्छा खासा होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देखना लास्ट बंदा भाई कहीं छुपा होता है, मतलब ठीक है अलग ही लेवल था भाई उसको। आप देखना मैं बाइक लेके जब उठूंगा ना भाई, बाइक लेने यहाँ से निकलूंगा कमलेश की तरफ भागते हुए और फिर देखना क्या होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों मैं बाइक उठाता हूँ और आशीष के पास जाता हूँ कि भाई चल आशीष चल आ जा चल फटाफट निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हो मैं आशीष के पास जा रहा हूँ और भाई देखना अभी क्या ही स्कैम होगा, मतलब वो बंदा भाई क्या ही नशे में था आप देखना, ठीक है। अब मैं आशीष के यहाँ पर बाइक रोकता हूँ और सोचता हूँ आशीष मारेंगे उसको, इतने में जो भाई पीछे से गोली चलती है और भाई साहब कसम से अब जब तक मैं उसको मारता ना इतने में आशीष जो है भाई उसको फिनिश कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब भाई वो मुझे दिखाई नहीं, भाई क्या ही साफ बन के रहते हैं नागिन की तरह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और भाई ये लास्ट वीडियो थी हमारे स्पॉनलैंड की, तो भाई प्लीज़ यार इसको जरूर लाइक करना। और भाई मैंने चिकन डिनर करके दिखाया भाई आपको लास्ट वीडियो में, तो भाई इसके लिए तो यार एक सब्सक्राइब बनता ही है और लाइक बनता ही है, और भाई शेयर भी कर दो लास्ट वीडियो क्योंकि स्पॉनलैंड की है। और भाई इसके बाद दोस्तों अभी एक स्पेशल वीडियो जैसे मैंने आपको बताई थी आएगी भाई, जिसमें जो है भाई बियॉन्डर खेल रहा होगा, लेकिन भाई मैं भी उस गेम प्ले में और मेरी इन साउंड जो है गेम आपको देखने को मिलेगी, तो उसका वेट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।